गाइस, मैं हूं अमित और आज हमारे पास में है ये छोटे छोटे बहुत सारे सिलेंडर। ये जो है कितना तेज आवाज करते हैं यार। और गाइस, इसके अंदर है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O यानी कि लाफिंग गैस। दोस्तों, इन छोटे छोटे सिलेंडर्स के अंदर जो है लाफिंग गैस है। आपने कभी ना, अबे यार ये कैसे इधर उधर घूम रहे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी साइंस बुक में या कहीं ना कहीं तो लाफिंग गैस का नाम ज़रूर से सुना होगा, यानी कि हंसाने वाली गैस जो कि आती है इसके अंदर। और आज हम यही टेस्ट करने वाले हैं कि इस गैस को कंज्यूम करने के बाद में क्या होता है, क्या इसको लेने के बाद में एक्चुअली में हंसी आती है या नहीं आती है, जो भी होता है। और एक बात आपको और पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि गाइज, ये जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस है ये अगर आउट ऑफ लिमिट ले ली जाए, यानी कि अगर इसकी ओवरडोज कर दी जाए तो ये बड़ी ही खतरनाक हो सकती है, लीथल हो सकती है, फेटल हो सकती है, यानी कि ये एक इंसान की जान भी ले सकती है। तो आपको मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि आपको ऐसा तिगड़म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए और वहाँ से समझ लीजिए, आपको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से और बहुत ही कंट्रोल अमाउंट के अंदर लेनी होती है, ऐसे नहीं लेनी होती। और देखते हैं कि होता है क्या। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग जो करना वो इस वीडियो के लिए लाइक का बटन है बस वो ज़रूर से दबा देना, नीचे होगा एक बटन उसको बढ़ा दो, थोड़ा सा और ऊपर भेज दो। फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास में जो नाइट्रस ऑक्साइड जो लाफिंग गैस है वो इन स्टील सिलेंडर्स में, मेटल सिलेंडर्स में भरी हुई है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं आती और ये एक्चुअली में फूड पर्पज़ में काम आती है। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली में जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जो लाफिंग गैस होती है, उसके बहुत अच्छे अच्छे यूजेस भी हैं, जैसे कि सर्जरी में, और डेंटिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सेडेटिव भी होता है और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी कंपैरेटिवली कम होते हैं। यानी कि भाई, कुल मिलाकर के हिंदी भाषा में ये जो है सुन्न करने की दवाई के रूप में काम आता है। ये जो है बॉडी को रिलैक्स कर देता है तो आदमी को उतना ज़्यादा दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड अमाउंट्स में दी जाती है किसी भी पेशेंट को। इसको जो है सुंघाया जाता है तब जा करके ये काम करती है। और गाइज, ये जो गैस है अगर इसकी ज़्यादा डोज ले ली जाए, जितनी एक इंसान को लेनी चाहिए सेडेटिव के रूप में, अगर उससे ज़्यादा डोज चली जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इसकी वजह से हार्ट अटैक्स आ सकते हैं और भी कई अटैक्स आ सकते हैं, इसकी वजह से इंसान की जान जा सकती है बहुत आसानी से। तो हम जो है बहुत ही कम अमाउंट इसका इनहेल करने वाले हैं, मैं ही करने वाला हूं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले सिलेंडर को खोलना पड़ेगा, खोलने के लिए पंक्चर करना पड़ेगा, यहां से ऊपर से पंक्चर करने के लिए एक सुई का यूज़ करूँगा। इस सुई को इसके ऊपर रख के बड़े ही ध्यान से जो है भाई साहब, मैं इस हथौड़ी से ठोकने वाला हूं। और सुई इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि छोटा सा होल हो इसमें। और भाई तेरी, अबे यार ये तो ज़्यादा एकदम से पंक्चर हो गई है, कुछ ले पाएंगे क्या? गाइस देखो देखो देखो, ठंडी हो रही है मोहित। अबे यार बलून, अरे यार ये बलून तो वापस जो है छोटा हो गया। ओह शिट गाइस, हमारी गैस उड़ गई और ये इतनी ठंडी हो गई, देखो साइंस की वजह से ही। लेकिन यार गैस उड़ गई है, लेकिन अभी ठीक ठाक अमाउंट तो बची है इसमें, कुछ तो बची है देखो। तो गाइज यहाँ पर आप लोग ये देखो कि हमारा ये जो सिलेंडर है इसकी क्या हालत हुई है। और भाई बहुत ज़्यादा ठंडा है गाइज, देखो इसके ऊपर ये फ्रोस्ट जम गई है। ये नॉर्मल सिलेंडर से देखो कितना अलग हो गया है। ये पंक्चर हमने इसको किया था, ये इतना ठंडा हो गया जिसकी हम बात कर रहे थे। तो देखो ये मेरे हाथ के चिपक रहा है ऐसे। हाँ, इस बार जो है बड़ा ही फास्ट भरा है भाई साहब बलून। ये वाला तो अभी भी भर रहा है, लेकिन यार ये सबसे बड़ा हो गया, इसमें कंट्रोल तरीके से गैस आई थी। तो भाई साहब यहाँ पर जो गैस है वो हमारे पास में आ चुकी है, चार बलून है। लेकिन गाइस इतनी गैस मैं नहीं लेने वाला हूँ, दो बलून यहाँ पर है, दो मेरे पास में। तो इसको अब मैं जो है धीरे धीरे इनहेल करूँगा, पहले एक ही करूँगा यार, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसकी कितनी जो डोज है वो मेरे लिए काफ़ी रहेगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा भी नहीं है, शायद एक सांस ही है इसके अंदर। धीरे धीरे ले रहा हूं मैं।
एक सांस तो नहीं है यार। अरे आवाज बदल गई मेरी आई थी ना एक बार, आवाज आई थी, अलग आई थी आवाज। तो यार गाइस डेफिनेटली यहाँ पर चेंज होती है, थोड़ा सा मेरी आवाज का बेस बढ़ गया है और ऐसा लग रहा है गले में कुछ फंस गया है जिसकी वजह से मैं ऐसे बोल रहा हूँ। चलो इस बलून को पूरा ले लेता हूँ मैं। लेकिन यार मेरे को एक अलग ही एहसास हो रहा है फिलहाल। मेरा जो दिमाग है वो एक अलग स्टेट में चल रहा है फिलहाल। हाँ अब थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है, वो एकदम से तो ज़्यादा ही था यार। तो गाइस एक बलून मैंने ले लिया है और हाँ एक बार तो असर हुआ था यार। एक ऐसा लग रहा था कि कुछ हिट सा हुआ है दिमाग में हल्का सा, और उसकी वजह से थोड़ा अलग सा फील अभी भी है मुझे वो थोड़ा सा। लेकिन यार ऐसा कुछ हंसने वाला तो वो नहीं हुआ कि मुझे इससे हंसी आए। जैसा इसका नाम है लाफिंग गैस, आपके सामने मैंने ली है। एक दूसरा कैन यहाँ पर लगा है, थोड़ी सी डोज मैं और यहाँ पर लेना चाहूँगा क्योंकि यार मैं देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली में हंसी आती भी है या नहीं आती है। थोड़ी सी डोज मैं इसकी और ले रहा हूँ, आवाज़ मेरी फिर से बदल रही है यहाँ पे। हाँ एक बात यार बहुत अच्छे से हुई है कि ये लेने के बाद में मैं इतना रिलैक्स सा हो गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा अलग सा लग रहा है, सब एकदम पूरा रिलैक्स सा माहौल लग रहा है, सब हल्का हल्का सा लग रहा है। लेकिन ऐसी कुछ खास हंसी मुझे नहीं आ रही है, थोड़ा सा है वो भी रिलैक्स की वजह से ही है। मैं आपके सामने इतना स्माइल कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप ही आ रही है। लेकिन वो इसलिए कि यार जब अपन एकदम रिलैक्स होते हैं तो वो चीज़ जो है ऑटोमेटिकली आती है गाइस अब जो है ना ये मैं जानबूझ के नहीं हंसा था, कोई रीज़न नहीं है मेरे पास हंसने का। मैं कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, मैं रोकना चाह रहा हूँ खुद को लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी हंसी आ रही है और मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है कि मैं क्यों हंस रहा हूँ इसका ज़्यादा कुछ भी मैंने अब क्या असर हुआ है इसका, थोड़ा थोड़ा हुआ है। मैं क्यों हंस रहा हूँ रोको रोको हंसना नहीं है नहीं हंसना चाहता मैं जो है हंसना नहीं चाहता, मैं चुपचाप बैठना चाहता हूँ गाइस क्यों हंस रहा हूँ, अरे मैं क्यों हंस रहा हूँ, चुप एकदम चुप। मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ मुझे बहुत बढ़िया से पता है कि क्या हो रहा है, बारिश का मौसम है, बढ़िया माहौल है, लेकिन पता नहीं हंसी क्यों आ रही है। अब वो इफेक्ट जो है थोड़ा सा कम हो गया है गाइस। मैं आपको ये गारंटी और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मैं जानबूझ के नहीं, मैंने कंट्रोल करा रोकने का। तो भाई साहब यहाँ पर मैं जो है 5 मिनट रिलैक्स कर चुका हूँ और अब एकदम नॉर्मल हो गया हूँ फिर से, तो मैं तो ज़्यादा नहीं ले रहा। अब जो है ये दोनों लोग जो है थोड़ी थोड़ी लेकर के ट्राई करेंगे क्या इनके साथ भी कुछ होता है, ठीक है। जितना जल्दी ले सकते हो उतना जल्दी लेना और वेस्ट मत करना, मतलब जितनी अंदर जाए उतना अपने को चाहिए ये, ठीक है। पूरी एक बार में ऐसे मत लो, सही वो नहीं आएगा ऐसे, क्योंकि अपनी सांस में इतना जगह ही नहीं है। आराम से लो गई इसको प्योरली भी मत लो इसको प्योरली मत लो, थोड़ी सांस के साथ लेते रहो यार। एक बात तो है, इसको लेने के बाद में जो माइंड है ना वो रिलैक्स सा ऐसा हो जाता है कि सारी टेंशन वेंशन ऐसा लगता है कि खत्म, मतलब ऐसा लगता है कि अपन बहुत चिल खड़े हुए हैं, ये तो लगता है इसको लेने के बाद। दोबारा से मैंने जो है थोड़ी सी अमाउंट ली और फिर से जो है वही लगने लग गया। और गाइस ऐसे में फिर वही हालत है मेरी कि अगर मैं अभी हंसने लग गया तो मैं हंसते रहूँगा, लेकिन मैंने सोच रखा है कि मुझे हंसना नहीं है हंसाओ मत यार, मैं जब से सोच रहा था कि मुझे नहीं हंसना दिमाग चकरा रहा है मेरा क्या कैमरामैन को देख के कौन हंसता है क्या 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 हो गया तो कुछ बोल लो तो सही कि ये हुआ है क्या क्या इसको देख क्या
हंसी आ रही किसी को देख के हंसी आ रही है ते तो नहीं आ रही है ना देख रहा हूँ तो आ रही है मुझे क्या हो गया गाइस मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम ली थी ना अभी थोड़ी देर पहले तब सेम यही कंडीशन हुई थी और ये जो कंडीशन है लगभग दो तीन मिनट रहती है उसके बाद में वापस से जो हमारा रिलैक्स हो जाता है एक बार देखो इधर देखो मतलब बिना बात के हंसना उस टाइम मैं ये सोच रहा था कि यार मैं ना हंसूं लेकिन हंसी आती है मुझे चक्कर आ रहे हैं मतलब पता है अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है यहाँ पर रुको वो यहाँ पर ये रहा कि दिमाग बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है रुको मैं बता तो दूँ भाई जब मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ पूरा कंट्रोल करने की जितना रुक सकती है ऐसी क्योंकि मैं जबरदस्ती नहीं हंसना चाह तो भाई देखो इसको हंसी नहीं आ रही तूने मुझे लगता है तो सही से ली नहीं तूने तू बहुत अजीब तरीके से ले रहा नहीं फिर तो ली है तूने क्योंकि वो सेडेटिव वाला असर तो होता है अबे यार भाई साहब यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर इधर आ जाओ बस यहाँ रहो ठीक है एग्जाम्पल भी होना चाहिए साथ में गाइज यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि ये जो गैस है ना ये इतना रिलैक्स कर देती है बॉडी को उसके बाद में बॉडी एकदम रिलैक्स है कोई टेंशन नहीं है कोई लोड नहीं है फिर अपने आप मुस्कान आने लगती है पहले शुरू में फेस पे स्माइल आने लगती है और उसके बाद में जैसे ही थोड़ी सी हिंट मिली कहीं कुछ हंसने की बस उसके बाद में ऐसी हंसी आती है कि मैंने पूरी कोशिश करी कंट्रोल करने की वो नहीं होती है और माइंड जो है वो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है लेकिन गाइज मैं फिर से बता रहा हूँ कि इस चीज़ की ओवरडोज किसी भी केस में नहीं होनी चाहिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है तो आपको फिर बता रहा हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो में दिखाइए किसी चीज़ को ट्राई मत करना जो मेरा सेकेंड टाइम था यानी कि मैंने फर्स्ट टाइम लिया था उसमें मुझे बिल्कुल यही हालत हुई थी ये वाली लेकिन जब मैंने दोबारा से लिया तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा आप देख सकते हो अभी मैं नॉर्मली आपसे बात कर पा रहा हूँ उस टाइम हंसी आ रही थी लेकिन वो पिछली बार से बहुत कम थी जैसे अभी इनकी हालत हुई है वैसी मेरी फर्स्ट टाइम में हुई थी ठीक है तो आज के लिए इतना ही वीडियो में भाई बस मैं तो ये कह रहा हूँ इस चीज़ को ट्राई ना करना चैनल को सब्सक्राइब कर लो मज़ा तो आपको डेफिनेटली खूब आया होगा जो लाफिंग गैस साइंस की बुक में पड़ी होती है वो हमने आज आपको दिखाई है तो लाइक कर देना और चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय और अभी भी इसका असर तो है ऐसा नहीं असर ख़त्म हो गया लेकिन वो हंसी वाली वो फीलिंग जो है थोड़ी सी कम हो गई है और हल्का सा सर जो है वो भारी हो गया मेरा थोड़ा सा अलग